देवरी कला भाजपा की जन आशीर्वाद रैली के बाद कांग्रेस ने जन आक्रोश रैली निकालकर कांग्रेस के नेताओं ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और उनकी 18 माह की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना निकम्मी और भ्रष्टाचारी सरकार बताते हुए कहा कि अब भाजपा को आशीर्वाद देने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस की जन आक्रोश रैली देवरी विधानसभा क्षेत्र में पहुंची, जहां प्रवेश पर रणगीर चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद रेल के पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव, विधायक हर्ष यादव ने गौर झामर में आयोजित जनसभा में भाजपा सरकार पर जमकर जन आक्रोश व्यक्त किया। रैली देवरी पहुंची, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। इसके बाद जनसभा को संबोधित करने के बाद रैली शहजपुर और केसरी पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। देवरी के बस स्टैंड पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण यादव ने कहा कि भाजपा सरकार के नुमाइंदे 18 साल सत्ताहीन रहने के बाद कांग्रेस की 15 महीना की सरकार से जवाब सवाल कर रहे हैं, तो ऐसा हो गया उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। प्रदेश की सरकार आपकी, देश की सरकार आपकी, जिले की सरकार आपकी, और 15 महीने हिसाब मांगे हमसे जा रहे हैं। लांच के नेतृत्व में 7,000 करोड़ रुपए बुंदेलखंड पैकेज में दिलाया गया था कि गांव-गांव में खेतों-खेतों में पानी पहुंचे, लेकिन भाजपा के विधायक और सांसदों के लिए जेबों में सारा पैसा चला गया। विधायक हर्ष यादव कहा कि रेलवे लाइन से ही देवरी क्षेत्र का विकास होगा। उन्होंने कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और कमलनाथ मंत्री थे, जब उनसे रेलवे लाइन की मांग की थी, लेकिन दुर्भाग्य है कि केंद्र में भाजपा की सरकार है और भाजपा रेल लाइन मंजूर नहीं कराना चाहती है। उसका बदला लेने का समय आ चुका है भाइयों।
2023 का आगाज नवंबर में ईवीएम का बटन इतना तेजी से दबना चाहिए कि चुनाव आयोग को ईवीएम की मजबूत मशीनों को भेजने की जरूरत महसूस हो जाए। ये आक्रोश दिखाई देना चाहिए और निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के सूदखोर लोग, भ्रष्टाचारी लोग जो जनता की कारगारी कमाई का शोषण करके डकैतों की भांति अपने घरों में भर रहे हैं, जब वो पैसा और जेवरात पहुंचता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घरों में, तो महिला जेवर को पहनकर आने के सामने खड़ी हो जाती है। मां जिस तरह से डकैत की पत्नी वो जेवर पहन के बाहर नहीं निकल पाती है, वही हाल आज मध्यप्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हो गई है। और निश्चित रूप से समय आ चुका है हमें अपने जन आक्रोश के माध्यम से बदला लेने का। मैं आप लोगों से कृपापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो मंचासीन हमारे अतिथि बैठे हैं, बड़ी आशा और उम्मीद से आपके बीच में आए हैं, इस उम्मीद के साथ आए हैं कि आज का दिन पवित्र दिन है, जैन समाज का भी त्यौहार है, मुस्लिम समाज का भी त्यौहार है और गणेश विसर्जन का भी त्यौहार है। आज हम बदल लें, संकल्प लें कि तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हम ईवीएम मशीन सील नहीं कर देंगे। ज्यादा समय न लेते हुए क्योंकि आज मध्यप्रदेश के प्रभारी हम सबके नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का सुर्खी विधानसभा में कार्यक्रम है, हमें उनको सुनने भी जाना है। मैं अपने साथियों से करबद्ध निवेदन के साथ, प्रार्थना के साथ एक निवेदन करना चाहूंगा, हम सबको सुर्खी की धरा तक चलना है और निश्चित रूप से आज का